ओ मेरा पैर बज रहा है एक कभी तो हम अच्छा रूम लेंगे और तब दिक्कत होती थी पहले यार कोई लड़की नहाने लग जाती थी अब लोग पूछेंगे कि रेंट दे दी कितना पैर, रूम में तो कभी कभार ऐसे कर दिया करेंगे कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे मोटिवेशन भरे हुए हैं घर <laughs> से आए थे उस टाइम से चार पांच साल से एक बार में लगा लो क्योंकि मेरा चौबीस घंटे में तेईस घंटे फोन डिस्चार्ज ही रहता है तो क्या तो बोल तो मतलब तो 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 क्या दीदी वो क्या बोलते हैं पहले भी रह चुके हैं पागल पागल सब मिला था channel, मैं तो प्लीज उसका हम लोगों के साथ शेयर करो तो मैंने सोचा क्यों ना आज रूम टूर की वीडियो शेयर किया जाए आप लोगों के साथ हाँ तो मैं ना बहुत दिन से ऐसे पटना में रह रही हूँ बट इतने सुंदर रूम में हम हाँ आज तक पहले इससे पहले कभी नहीं रहे थे सो बकवास ना करते हूँ फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारा मेन गेट अभी तो रात का टाइम हो चुका है नहीं तो बाहर वाला एरिया भी मैं आपको दिखा देती बहुत ही ज्यादा सुंदर है ठीक है और रूम दिखाते हैं तो यहाँ से आप एंटर करते हो तो हम लोग एंटर करते हैं तो सामने में देख सकते हो सबसे पहले हम कहा दिखाए हाँ इस वाले एरिया को दिखाती हूँ देख सकते हो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत तरीके से हम लोगों ने सजाया है जिसको देख सकते हो और ऐसे हमेशा से मेरा सपना था कि एक सुंदर रूम हो जिसमें कि हम ऐसे सेटअप करें और बॉक्स का फिर कभी करेंगे जब वीडियो होस्टल वाली बनाएंगे ना किस किस में क्या सब चीजें ब्लॉग्स वगैरह देखते होंगे तो आपको पता ही होगा तो देख सकते हो इस टाइप का ये हमारा एरिया है जो कि बहुत ही ज्यादा प्यारा लग रहा है और जिसको मैंने मतलब हम लोगों ने एक एक चीज मंगाया है And इस साइड आते हैं ना तो इस साइड आप देख सकते हो तो रैक है ऊपर मत दिखाना ऊपर देखना मना है एंड ऊपर में वही डेली यूज के कपड़े रखे हुए हैं हो सेकंड वाले रैक में देख सकते हो तो भगवान जी इस साइड से और इस साइड से कुछ बुक्स और कुछ कॉपी उस टाइप की रखी हुई है जिसको कि हम ऐसे कभी नहीं निकालते हैं नीचे में वही लगेज वगैरह रखी हुई है देख सकते हो एंड अब आ जाते हैं हम लोग इस वाले एरिया में यहाँ पे अगर मुझे इंस्टाग्राम पे आप फॉलो करते हो ना तो हमेशा या मैं यहाँ से बुमरैंग वगैरह बनाते रहती हूँ सेल्फी वगैरह या फिर स्टोरीज वगैरह लगाते रहती हूँ तो ये पर्दे ऐसे करती हूँ ना तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है ठीक है वो मेरा पैर रहा है इस साइड से मेरा वॉशरूम वाला एरिया गईज एंड बहुत दिक्कत होती थी पहले यार कोई लड़की नहाने लग जाती थी और साथ में रहता ना थोड़ा सा जेलसी भी पहले वाले लॉज में तो हम लोग को बहुत ही ज्यादा भुगतना पड़ा था मतलब किसी को पता चल जाता ना कि अभी आप नहा के लग जाने वाले हो पीजी और हॉस्टल में सबसे ज्यादा दिक्कत किसी चीज की होती है तो वो है वॉशरूम ठीक है बहुत ही ज्यादा बट हम लोग का सेपरेट है तो कोई दिक्कत नहीं चार चार दिन तक कपड़ा ऐसे ही रहता या फिर जब मन तब धोए जब मतलब जो मन करे वो करे तो ये चीज सबसे बढ़िया मुझे लगी यहाँ पे तो सब कुछ बढ़िया है एंड इस वाले एरिया में देख सकते हो जो कि हमने कल परसों वाला लाइट मंगवाया जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर अभी पलक वहाँ से निकाला हुआ है जिसमें बहुत अच्छा जलता है ठीक है एंड यहाँ पे मोटिवेशन भरे हुए हैं <laughs> चिपकाया मैंने और इस छोटे से एरिया में मैंने सोचा है ना कि कभी कभी ऐसे होते हैं कि आपको रूम में लाइक शूट करना है इंस्टा के लिए कोई रील्स हो गया कुछ भी हो गया तो मैंने सोचा है तब ना हम इस एरिया का यूज करेंगे और यहाँ पे वीडियोस वगैरह शूट करेंगे ठीक है बट अभी तक एक भी वीडियो मैंने नहीं शूट किया क्योंकि डेली हमको बाहर ही जाना पड़ रहा है खैर रूम में तो कभी कभार ऐसे कर दिया करेंगे कोई दिक्कत नहीं और ये है हमारा बड़ा सा बेड गाइज हा हा मजा आता है इस पे इतना सोते हम इतना सोते हम कि पूछो ही मत बहुत ही ज्यादा अच्छा भी लगता है एंड ये वाला डोरमेट हमने खरीद के रखा था बहुत महंगा सा कि कब भी तो हम अच्छा रूम लेंगे और तभी हम इसका यूज करेंगे फाइनली ये यूज में आ चुका है एंड इस बड़े इस बड़े से बेड पे सोने के बाद आपको दुनिया की सारी सुख प्राप्त हो जाएगी ऐसा लगता है बहुत अच्छा लगता है जब आप थके आते हो एक आपको एरिया मिल जाता है वैसे एक घर से आए थे उस टाइम से चार पाँच साल से एक छोटा सा पतला सा वो नीचे वाला जो गद्दा था ना उनको बहुत पिचक गया था इस वजह से तो बहुत अच्छा ये वाला एंड यहाँ पे देख सकते हो बेड के पास ही एक टेबल लगी हुई है जहाँ पे ऐसे खाने पीने की चीजें और फोन वगैरह चार्ज करने के लिए आपको ऐसे दूर में कहीं पे वो करने की जरूरत नहीं पड़े यहाँ पे, पे तकिया लगा लो फोन चार्ज में लगा लो क्योंकि मेरा चौबीस घंटे में तेईस घंटे फोन डिस्चार्ज ही रहता है इतना चलाते हैं एडिटिंग वगैरह सब कुछ तो फोन से ही होता है ना इस वजह से तो ये एरिया मुझे बहुत ही ज्यादा बढ़िया लगती है और अभी भी इसमें रिंगलाइट लगी हुई है जिसके थ्रू मैं वीडियो बना रही हूँ देख सकते हो तो यही है मतलब उतना छोटा रूम तो नहीं है बहुत बड़ा सा रूम है हमारा हाँ रेंट है अब लोग पूछेंगे कि रेंट दीदी कितना है तो पाँच हजार से थोड़ा सा ऊपर ही है पाँच हजार ही है बट हाँ हम लोग काफी ज्यादा खुश हैं और सबसे बड़ी चीज जो होती है ना पटना में आप कहीं भी ऐसे रहते हो तो कि जो ऑनर है वो मतलब उनका नेचर कैसा है हम लोग दो तीन पहले भी रह चुके हैं पागल पागल ऑनर सब मिला था यार नहीं बोलना चाहिए ऐसे लेकिन बहुत ही ज्यादा मतलब दिमाग खराब टाइप का नहीं होता वो बट यहाँ पे इतना सब कुछ सही है मतलब मेन होता है औरत जहाँ पे रहती है वहां पे थोड़ी बहुत वो चीजें होती है बट यहाँ पे अंकल है ऑनर मतलब वो आंटी नहीं है तो इस वजह से ज्यादा बढ़िया है सब कुछ तो मुझे अब बहुत ही ज्यादा बढ़िया लगा एंड मैं बहुत खुश हूँ यहाँ मेरी खुशी को नजर ना लगे किसी की हाँ ये <laughs> तो गैस यही थी मेरी रूम टूर वाली वीडियो एंड डिटेल्स में फिर कभी डिटेल्स आई थिंक काफी है इस साइड से हेंगर वगैरा जिसमे कि कपड़े लाइक एक दो दिन हो जाते हैं वो टंगे हुए हैं मैं यूट्यूब सब कुछ ऐसे रॉ दिखाना चाहती हूँ इस वजह से और पहले क्या था ना कि हम लोग मतलब बेड के अंदर में इतने सारे बोरा झोड़ा सामान रखते थे बट इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि आपका इतना सारा इतना बड़ा बड़ा रैक है ना कि सब कुछ लाइक इसी में आ जाते हैं ये सब देख सकते हो किस तरीके से फेंका हुआ है इसको रख देते हैं पहले तो हाँ, तो बहुत ज़्यादा बढ़िया तो थी मेरी छोटी सी वीडियो रेंट मैंने आपको बता ही दिया कि कितना रेंट है पांच हजार से थोड़ा सा ज्यादा है बाकी यहाँ पे सारी फैसिलिटीज है हम लोग पता है आपको आयरन कर सकते हैं उसके बाद इलेक्ट्रिक कुछ भी आप वो जूस वूस बनाने वाला मिक्सर ग्राइंडर वगैरह सब कुछ यूज कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है आर लगा हुआ है वाटर कूलर लगे हुए हैं सब कुछ लगा हुआ है तो और पता है सबसे अच्छी बात क्या है कि लाइट चली जाती है इन्वर्टर वगैरह भी लगे हुए हैं मतलब कोई मतलब बहुत ज्यादा वो नहीं है मतलब इससे पहले हम इतने सारे फैसिलिटीज के साथ कब भी नहीं रहे थे ठीक है तो मुझे रेंट उस हिसाब से काफी कम लगता है और इतना अच्छा रूम मिलेगा मैंने सोचा नहीं था इससे पहले इस वजह से मैं बहुत खुश हूँ तो चलिए गई थी मेरी छोटी सी वीडियो आई होप कि आप लोगों को अच्छी लगे चलिए तो प्लीज लाइक करना मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल भी मत भूलना तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अमेजिंग वीडियो के साथ टेक केयर थैंक यू